वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जारी है हमारी विंटर वेलकम पार्टी और स्वागत है आपका एक बार फिर से खाने की मेज से। आप देख सकते हैं कि क्या क्या वैरायटी है यहाँ पर, चाहे हम बिहार के लिट्टी चोखा की बात करें या फिर झारखंडी पिट्ठे की बात करें, हर एक फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। हमारी किटीज है जिनके बारे में सिर्फ ये बोला जाता है कि हाउसवाइफ है, तो उनके भीतर का क्या है टैलेंट, और कुछ तो मल्टी टैलेंटेड है जैसे कि प्रीति जी। शुरुआत कर लेते हैं आपसे, कर लो इसमें से आपका फूड कौन सा है जो आपने बनाया। यस, मैं चूंकि आज अरेंज कर रही थी प्रोग्राम तो मुझे बोला गया कि प्रीति जी आप तो कुछ ना ही बनाओ, पर ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं कुछ ना बनाऊं और मजा ना आए पार्टी में। तो हाँ, मैंने थोड़ा सिंपल लिया, मैंने छोले बनाए और रेडीमेड स्वीट्स मंगाया है और कुछ स्नैक्स वगैरह मंगाया है, तो हम लोग इसका आज मजा लेंगे। अच्छा, बाजार से जो आपने स्वीट्स मंगाए उसमें ज्यादा टाइम लगा या फिर छोले बनाने में? छोले बनाने में। चलो, यानी कि आपने थोड़ी बहुत मेहनत की है। और अगर लिट्टी की बात करें, देखने में ही काफी यमी दिख रहा है, चोखा भी है यहाँ पे, इसे बनाया है किसने? आपके अंदर इतना बड़ा हुनर छुपा हुआ है। क्या नाम है आपका? अनुपमा। अनुपमा जी, ये आपको कुकिंग का शौक बहुत पहले से ही है? शादी के बाद। मतलब शादी के पहले कुकिंग नहीं करती थी, वक्त और हालात ने आपको एक अच्छा कुक बना दिया। सही बात है। पिट्ठा के बारे में हम आपको बता दें कि बेसिकली ये झारखंड का फूड है, लेकिन बिहार में भी लोग पसंद करते हैं, और बिहार झारखंड का कंबाइंड एक फेवरेट फूड है। और बनाया है किसने? लता जी, आपके अंदर ये इतना अच्छा टैलेंट छुपा हुआ है, इतना बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है, आपने पिट्ठा बनाया, क्या खासियत है आपके पिट्ठे में? ये एक छना हुआ चीज नहीं है, ये मतलब बॉयल किया हुआ है, पानी में भाप से बनती है, तो ये फायदेमंद भी है। और ये एक मिक्स वेजिटेबल लिट्टी है, ये शुगर वाले पेशेंट भी आराम से खा सकते हैं, मतलब हेल्दी है। हेल्दी। और कैसे आपने बनाया? चावल का आटा को पानी में चाट लिए, उसको फिर आटा जैसा गूथ लिए, और चने का दाल को कच्चा पीस के, और उसको फिर भरावन में भर के, उसके फिर मसाला डाल के, और ये हरी मिर्ची, धनिया पत्ता, अदरक, ये सब डाल के पानी में बॉयल किए। अच्छा, पिठा किस चीज के साथ खाते हैं तो जो कि इसका टेस्ट है डबल हो जाता है? धनिया पत्ता की चटनी के साथ। धनिया पत्ता की चटनी, जहाँ तक मुझे पता है कि मीठा पिठा भी होता है। मेरे पास इतनी टाइम नहीं थी कि मैं इसलिए बना नहीं पाई खोवे की पिठा। मुझे लगा कि शायद आप ज्यादा नमकीन हैं, नमकीन पिठा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, टाइम कम थी इसीलिए मैं जल्दी जो बन पाया वो मैं बना के लेके आई थी। आपने बेसिकली अपने लिए बनाया, अपनी चॉइस है या फिर फ्रेंड की चॉइस है? सब फ्रेंड लोगों को काफी पसंद है इसीलिए। ये ठंडा का ही आइटम है, इसीलिए मैं बनाई। क्या है यहाँ पर? पनीर चिली। हाँ, मैं जानती हूँ, चाइनीज ऑल टाइम फेवरेट, तो बच्चे हो चाहे जवान हो बूढ़े हो, हर किसी को चाइनीज पसंद आता। हमें चलो सब फन एंड मस्ती के मूड में है तो खाना क्या, थोड़ा स्नैक्स और चाइनीज आइटम हो जाए तो फिर क्या बात है। जब आप पनीर चिली बना रही थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या इस पे पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर पा रही थी आप, या फिर गाने पर ध्यान था, आपको परफॉर्मेंस पर ध्यान था? जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मेरा पूरा ध्यान कुकिंग पे ही रहता है, क्योंकि जानती हूँ अगर मेरा ध्यान इधर उधर गया तो या तो मेरी पनीर चिली बिगड़ेगी या मेरा गाना के सत्यानाश होगा। यस, तो इसलिए मैंने फुल कॉन्सेंट्रेट किया अपने पनीर चिली पे। अब ये तो मेरे फैंस बताएंगे कि बना कैसा है। बिल्कुल, ये हम भी बताएंगे कि आखिर बना कैसा है। पहले अब हम बात कर लेते हैं इडली की, देखने में बहुत डिलीशियस लग रहा है, सूजी की इडली है, किसने बनाई? मैम, आपसे हम अभी तक नहीं मिल पाए, आपका नाम? पुष्पा, मतलब फूल मतलब हिंदी वाला। अब कुकिंग आपकी हॉबी है? हॉबी भी है और जरूरत तो है, हॉबी बनाना भी पड़ता है, जरूरत तो है। लेकिन जब जरूरत आपकी हॉबी बन जाती है तो उसका रिजल्ट कुछ अच्छा देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से जैसी आपकी इडली दिख रही है। हाँ, सीखने की इच्छा बढ़ जाती है कि ये बनाए वो बनाए, क्योंकि अब फैमिली वाले भी खुश रहते होंगे कि अपनी कोई फरमाइश कर दो तो आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करते होंगे। हाँ, सीखने की इच्छा बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग का मेन काम तो कुकिंग का ही है, घर में बच्चों को संभालना, हस्बैंड को संभालना। तो बताएं कि आपकी कैसे आपने ये सूजी की इडली बनाई है? ये करी पत्ता, राई और हरी मिर्च के ये तेल में देकर सूजी को फ्राई किया हल्का, उसके बाद दही और ये इनो देकर
और नमक देके ओवन में माइक्रोवेव में स्टीम कर दिया। आज के सूजी की इडली कुछ खास? बहुत हाइजीनिक है और वो स्टीम किया हुआ है और जैसे आप बिल्कुल क्लीन है, अभी भी बनी हुई, हेल्थ के हिसाब से भी सही है। हाँ, हेल्थ के हिसाब से भी सही है। ऐसे भी अब 40 के बाद तो लोग ऑयल मना करते हैं खाने के लिए, तो हाइजीनिक है और ब्रेकफास्ट के लिए सही है। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? हम तो बिल्कुल ट्रेडिशनल ही खाते हैं ये तो, हाँ इंडियन। इंडियन इंडियन में क्या? प्लेन चपाती रोटी सब्जी वही सब ज्यादा पसंद। अच्छा, क्योंकि कुकिंग आपकी हॉबी है, हाँ, कोई फेवरेट डिश जो आपकी फैमिली की हो, सबसे ज्यादा फरमाइश किस डिश की जाती है आपसे? बच्चा है एक तो बिरयानी ही ज्यादा पसंद करता है, मतलब आपके हाथ की। और चाउमीन और चिली, हाँ चाउमीन चिली बिरयानी आप काफी फेमस है, जानी मानी हस्ती के तौर पर जानी जाती है। क्या बात है। और यहाँ पे चाउमीन भी है, चाउमीन किसने बनाया है हम आपको वो भी दिखाएंगे और क्या क्या कुकिंग टिप्स हैं इनके वो भी हम आपको बताएंगे आज की किटी पार्टी में। चाउमीन के लिए सबसे पहला टिप्स तो यही है कि जब पानी पूरी तरह से बॉयल होने लगे, थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के आप चाउमीन को डालिए और इमीडिएट उसको ड्रेन करके कोल्ड वाटर से धो दीजिए, तो वो कभी चिपकेगा नहीं, कभी स्टिकी नहीं होगा। और उसके बाद आपकी वो आपके विश पर है, सारे वेजिटेबल्स, पनीर जो भी डालना चाहे वो आप ऐड कर सकती हैं। सिर्फ पनीर, ये चाउमीन स्टिकी ना हो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब ज्यादा लेट नहीं करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते क्योंकि सभी के मुंह में पानी आ रहा है आई एम श्योर, जिसने बनाया उसका भी और जिसने सस्ते में निपटा दिया है हमें छोले के साथ या चिप्स के साथ, उसके भी मुँह में पानी आ रहा है। आज की किटी पार्टी में फिलहाल इतना ही, हम यहाँ पे फूड एंजॉय करते हैं, अगले हफ्ते होगी फिर से मुलाकात ऑन द सेम डे सेम टाइम।